ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी नौकरी क्या, ऐसा पद क्या जो आपको भ्रष्ट कर दे आचरणों से। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो धर्म का त्याग करके उन्नति को पाना चाहते हैं वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। भले ही उन्नति के पद में हैं लेकिन उनकी दुर्दशा तुम अपनी आंखों से देख लेना, समय आएगा। देखो आज कोई यदि आप पाप करो तो कोई आज ही फांसी पर थोड़ी चढ़ा दिए जाओगे, उसके लिए वकालत होगी, न्याय होगा। हो सकता है कई वर्ष लग जाएं, हो सकता है न्याय होने के बाद भी काफी समय लग जाए आपको दंड मिलने में, लेकिन दंड निश्चित है। ऐसा समझ लो कि दंड कभी भी किसी को ना मिले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिसने जो बीज बोया है तो उसका फल जरूर उसे खाना होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है अपने आचरणों से, श्रीमत पर चलते रहना है, उस ईश्वर को अपना बना करके रखो। ये समय बहुत 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 कलिकाल है, खराब है, दुख का अशांति का माहौल है। आप कितना भी अच्छे विचारों में रहें लेकिन सामने वाले की मनोस्थिति क्या है वो आपके ऊपर भी असर करती है। इसीलिए परमात्मा हर बात में कहते हैं कि बच्चे मेरी याद में रहो, अपना ऑरा शक्तिशाली बना करके रखो, मेरे किरणों के नीचे अपने आप को अनुभव करते रहो। अपने आचरणों से विमुख होने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे आप खुद अपने आप को धिक्कारें। दूसरा कोई कुछ नहीं लेकिन आपकी आत्मा आपको जानती है कि आप क्या सही करके आए हैं या गलत।